आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि हाजीपुर रही है सर, बिहार के हर एक जिले में घुमाओ। और 24 में इससे बड़ा जनादेश हम लोग लेकर आएंगे, 40 की 40 सीटें, देश भर के युवा सर देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखना चाहते हैं। संसद में 5 मिनट का टाइम चिराग पासवान को मिलता है और वह 5 मिनट में किस तरीके से नीतीश सरकार की बखिया उधेड़ देती है और उसके बाद नीतीश और लालू के राज की धज्जियां उड़ा देते हैं। चिराग पासवान एक बार फिर से अपने चाचे को भी निशाने पर लिया। 5 मिनट का बोलने का समय और 5 मिनट के बोलने के समय में हाजीपुर सीट पर फिर एक बार चर्चा सदन में होने लगी। जिस तरीके से चिराग पासवान ने फिर से एक बार दावा ठोका कि हाजीपुर सीट इसलिए मायने रखती है क्योंकि हमारे पिता राम विलास पासवान और नेता उनकी कर्म भूमि है, तो उसे कैसे छोड़ दिया जाए। अमित शाह मौजूद थे, अमित शाह देखते रह गए और जिस तरीके से चिराग पासवान ने एक बड़ा ऐलान संसद में कर दिया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीटों पर NDA का दबदबा रहेगा। जनाधार नीतीश का खत्म हो चुका है। 2020 की याद दिलाते हुए नीतीश सरकार को बता दिया कि जदयू कितनी नंबर की पार्टी है। इन तमाम बातों को लेकर जिस तरीके से घेरने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से चिराग का तेवर देखने को मिला और पशुपति पारस देखते ही रह गए। अमित शाह के सामने एक बार फिर से हाजीपुर सीट को लेकर सांसद में चर्चा तेज होने लगी है। मैं जमुई का प्रतिनिधित्व करता हूं सर, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि हाजीपुर रही है सर, बिहार के हर एक जिले में घुमाओ। और वो मेरे विश्वास को बढ़ाता है, आज बिहार के युवा देश भर के युवा सर देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखना चाहते हैं। 2047 में हमारे देश को एक विकसित देश के तौर पर देखना चाहते हैं। अब उठाएंगे, अब वो चर्चा करनी होगी बंगाल पर, चर्चा करनी होगी आपको बिहार पर, चर्चा करनी होगी आपको राजस्थान पर, चर्चा करनी होगी आपको कर्नाटका पर। सर ये देश एक है सर, आप इसको ऐसे टुकड़ों में बांटकर आप नहीं आइसोलेट करके आप अपने विषयों को उठा सकते। और यही कारण है सर कि देश की जनता का विश्वास हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर हर चुनाव के साथ बढ़ता जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं सर, 2024 चुनाव सामने है सर, इसी में देख लीजिएगा। 2014 से बड़ा जनादेश 18 में यही सारी बातें हो रही थी, यही सारी बातें 18 में की गई थी, 19 में 2014 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिला और 24 में इससे बड़ा जनादेश हम लोग लेकर आएंगे। मैं बिहारी हूं सर, बिहार से कम मैं विश्वास दिलाता हूं 40 की 40 सीटें हमारा NDA गठबंधन जीत कर आएगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। मैं जमुई का प्रतिनिधित्व करता हूं सर, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि हाजीपुर रही है सर, बिहार के हर एक जिले में घुमाओ। और वो मेरे विश्वास को बढ़ाता है, आज बिहार के युवा देश भर के युवा सर देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखना चाहते हैं। 2047 में हमारे देश को एक विकसित देश के तौर पर देखना चाहते हैं। अब उठाएंगे, अब वो चर्चा करनी होगी बंगाल पर, चर्चा करनी होगी आपको बिहार पर, चर्चा करनी होगी आपको राजस्थान पर, चर्चा करनी होगी आपको कर्नाटका पर। सर ये देश एक है सर, आप इसको ऐसे टुकड़ों में बांटकर आप नहीं आइसोलेट करके आप अपने विषयों को उठा सकते। और यही कारण है सर कि देश की जनता का विश्वास हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर हर चुनाव के साथ बढ़ता जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं सर, 2024 चुनाव सामने है सर, इसी में देख लीजिएगा। 2014 से बड़ा जनादेश 18 में यही सारी बातें हो रही थी, यही सारी बातें 18 में की गई थी, 19 में 2014 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिला और 24 में इससे बड़ा जनादेश हम लोग लेकर आएंगे। मैं बिहारी हूं सर, बिहार से कम मैं विश्वास दिलाता हूं 40 की 40 सीटें हमारा NDA गठबंधन जीत कर आएगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं।